अच्छा जी, बॉयल एग जनाब अब हमने डाल लिया इसमें, अभी हम रखते हैं ये इनके आगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर पेट जोन। क्या हाल है साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से सारे? उम्मीद करता हूँ साहब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े का होगा। आज के व्लॉग में जनाब हम अपने जो पैरट्स हैं ना, इनो पैरट का जो पेयर लेकर आए थे, उसमें जनाब आज हम बॉक्स लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़े की होगी वीडियो। अच्छा जी गाइस, तो जैसे कि हमारे पैरट्स माशाल्लाह से खा रहे हैं जी अपनी सॉफ्ट फूड को, वो देख सकते हैं आप, दाने थे और साथ वही जो नॉर्मल सी सॉफ्ट फूड में डालता हूँ, इतना कोई हैवी सीन नहीं करता। हफ्ते में एक दो दिन जो है ना एग्स डाल देता हूँ उन्हें साथ इनको, बाकी वो नॉर्मल दाना। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में इस बड़े हमारे पैर के अल्हम्दुलिल्लाह तीन बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। चले आपको यहाँ से थोड़ा सा एक जो है ना उसकी वो नज़र आ रहा होगा हल्के फुलके वो बीच में, ये माशाल्लाह से इन्होंने जी मुँह निकाले हुए हैं, ठीक हो गया जी, नज़र आ गए, लेकिन पूरे नहीं दिखाऊंगा वो, इंशाल्लाह खुद जब बॉक्स से बाहर रहेंगे फिर आपको दिखाऊंगा क्या सीन है। और ये देखें जी हमारा माशाल्लाह से बड़ा मुर्गा, यार बड़ी मस्ती करते हैं जब ऐसे करो ना, बड़ी मस्ती करते हैं। अभी देखा ये पट्टा है हमारा उस मुर्गे का, देखें जी। और बकरी को देखें, गर्मी की वजह से इस बेचारी की क्या हालत हुई है, लोके पट्टी पानी पड़ा हुआ है, पानी कोई नहीं पीती, वो गिरा देती है। बाकी ये यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसकी आंखें ठीक हो गई हैं, वो जो साइड वाली आंख है ना वो वाली आंख सेट हो गई है, इस आंख का अभी भी थोड़ा सा रोला है, वो वाली सेट हो गई है। तो खैर चलें आपको बाकी दिखाते हैं। ये देखें जी बॉक्स, बॉक्स को जो है ना यहाँ से ये काला सा लग रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। और ये देखें जी बॉक्स को अंदर से धूप में रखा हुआ है, तीन चार दिन हो गए, बड़ा खूबसूरत है, ये चेक कर लें आप सबसे पहले कितना प्यारा उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी बॉक्स है भी वो जो किकर नहीं होता, किकर उसकी लकड़ी का है, वहाँ से भी बंद हो जाता है और यहाँ से भी बंद हो जाता है। अच्छा, अब मैं सोच ये रहा हूँ कि इस बॉक्स को जो है ना यहाँ इस जगह पर हम इस बॉक्स को लगाएं, और नीचे यहाँ पर जो है ना मुझे एक और दो या शायद दो या तीन तक मतलब जो है ना यहाँ पर ईंटें लगानी पड़ेंगी, उसके ऊपर यहाँ पर बॉक्स रखेंगे इधर ऊपर। और क्योंकि इसके अलावा इसका सीन नहीं है, इस बॉक्स का वेट बहुत ज़्यादा है, इस बॉक्स का कम से कम भी जो है ना पाँच छः तकरीबन 10 किलो के करीब करीब होगा इसका वज़न। अब ये जो है ये हल्का फुल्का था, ये तो वहाँ जाली के साथ मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से ये देखें ना यहाँ पे शापर लगाया हुआ है, ये बीच में एक ये कील है इसकी, एक ये कील है, बाकी मैंने इसको सपोर्ट के लिए यहाँ से जो है ना बांधा हुआ है इसके साथ ये तार जो है लेंटर वाली। बाकी अब वो बॉक्स जो है ना उसको यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा नीचे, और अब अल्लाह करे कि यार, दुआ तो यही है कि ये वाइट जो है ना ये वाले इस अपने डब्बे को संभाल लें, कहीं वो बड़ा जो पैरट है ना वो कहीं वो मस्ती ना करे यार, वो मारे ना इनको। चले इसको आगे सीन करेंगे फिर। 2000 years later. तो गाइज अभी हमने बाग के लिए जो है ना सबसे पहले ईंटे बीच में लगा दी हैं पिंजरे के अंदर, ईंटे लगाने के बाद अभी हम लगाएंगे बॉक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ईंटे मैंने अंदर लगा दिए हैं, इसको ऊंचा इस वजह से इतना किया है कि कल को अगर बारिश हो ना तो वो यहाँ से मतलब पानी नीचे नीचे से जो है ना नीचे नीचे से गुजर जाए, यहाँ ऊपर मसला ना हो। अब ये देख सकते हैं एक दो तीन, तीन मतलब तय में जो है ना मैंने ईंटे यहाँ पे लगा दिए हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है जनाबे वाला बॉक्स, पैरट सब बैठे हुए हैं टंटू होके कि ये दरवाज़ा खोले, बॉक्स रखे अंदर और हम यहाँ से बाहर निकल के भाग जाएँ। ज़्यादा अभी जो है ना हम इस बॉक्स को यहाँ अंदर लगाएंगे जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ जाएगा, अभी भी वो सामने आपको धूप नज़र आ रही होगी। तो खैर चलें, ये सूरज जो है ना ग्रूब होगा जैसे ही, उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ेगा ना हम इसको यहाँ पे अंदर इंशाल्लाह फिट कर देंगे। और दुआ करें कि, उम्मीद तो यही है कि ये रिंग वाले जो वाइट है ना ये वाले इस बॉक्स को अपना घर बना लें। फाइनली यार गाइस, काफ़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्स अंदर लगा लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी बचे कुचे जो दाने होते हैं वो इनको मैं डाल देता हूँ मुर्गों को, ये देख सकते हैं आप बॉक्स, ये दूर से ही दिखाऊंगा, ये मेरे हाथ पर आपको वो तीन निशान नज़र आ रहे हैं, ये भी लगा है यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ बीच में जालियाँ थी और जालियाँ लगी हैं, बाकी हमारे पैरट्स अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट तरीके से बैठ चुके हैं। ये जनाबे वाला हमने बॉक्स जो है वो सेटल कर दिया है यहाँ से आपको थोड़ा सा शापर से वो उस साइड पे नज़र आ रहा होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता। तो ये देख सकते हैं आप उसी साइड पे इसका मैंने मुंह किया है, अल्लाह करे अब यार यहाँ पे जो है ना ये इनो जो मारे सेटल हो जाएं इसमें,
और यहीं पर ब्रीडिंग कर लें। अभी मैं इसको किसी रस्सी की मदद से जो है ना यहाँ जाली से निकाल के ना रस्सी यहाँ से दोनों साइडों से इसको बांध दूंगा ताकि ये मज़ीद मजबूत हो जाए। तो खैर फिर आपसे जो है ना मिलते हैं जी गाइज। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है जी। अभी हम जो है ना ये बॉक्स आप देख सकते हैं अभी तक तो कोई नहीं इन्होंने सिलेक्शन की बॉक्स की। खैर अभी हम डालते हैं जी इनको दाना पानी। आज जो है ना मैंने इनके लिए अंडा बॉयल किया है, ये कल वाला थोड़ा सा रह गया था ऊपर सीन, इसको फेंकते हैं साइड पे। और इनमें से एक कोली में जो है ना बकेट में पानी हम डालेंगे और दूसरी जो है ना ये वाली इनमें से एक इसको रख देते हैं यहाँ पे दानों के लिए जो है वो एक बड़ी मैंने रखी हुई है दाने उसमें डालेंगे। और खैर अभी इसमें डालते हैं हम जी बॉयल एग और वो रखते हैं इनके आगे। अच्छा जी बॉयल एग जनाब हमने डाल लिया इसमें, अभी हम रखते हैं ये इनके आगे। देखें कितनी जल्दी हो रही है खाने पीने की। ये बॉयल अंडा जी रख दिया इनके आगे, अभी जो है ना ये खा पी रहे हैं बड़े मज़े के साथ। अच्छा जी तो ये तो हो गई है जी छोटी और ये हो गई है बड़ी। अभी बड़ी जो है ना ये भी दो ही हैं, इनमें अभी डालने का मकसद कोई नहीं है। एक तो ये गहरी बहुत ज़्यादा है, बड़ी भी है तो यहाँ पे जगह भी इतनी फिर नहीं रहेगी इसको कहीं लगाने की। तो ये जब बड़ा सेटअप होगा ना ये इंशाल्लाह उसमें लगाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना इसी में डालते हैं जी दाने शाने। वो तो पैरट देखे ना कैसे अभी लगे हुए मज़े से और मैं ये जो है ना अंदर आपके तो। अच्छा जी तो पैरट्स को हमने दाने भी डाल दिए हैं, बॉयल एग जो है वो भी डाल दिया है। मैंने आपको बताया था कि मैं हफ्ते में तकरीबन जो है ना दो दिन यूज़ करता हूँ इनके लिए ताकि प्रोटीन की जो है ना वो इनमें पूरी रहे कंटेंट प्रोटीन का। इसके लिए जी ये देख सकते हैं आप ये मैंने इनको डाला हुआ है सीन सारा, अब ये खा पी रहे हैं अपने मज़े से माशाल्लाह। और इधर जनाबे वाला हमने अपनी बकरियों को भी ये डाल दिया है जी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये ज़ाया बहुत करती हैं, नीचे ज़्यादा गिराती हैं। और इधर हमारी जैनी है जी, ये धूप लगवा रही है मज़े से बैठी हुई है इनके साथ। अच्छा जी यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो को एंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो में याद रखना अल्लाह हाफिज़।